हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल एज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोहतासगढ़ के किले के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। रोहतासगढ़ का किला कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण रोहतास ने कराया था। बहुत दिनों तक यह हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 16वीं सदी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया और अनेक वर्षों तक उनके अधीन रहा। इतिहासकारों की माने तो किले की चार दीवारी का निर्माण शेर शाह ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराया था, ताकि किले पर कोई हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। रोहतासगढ़ का किला काफ़ी भव्य है। किले का घेरा 28 मील तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य चार घोड़ाघाट, राजघाट, पठौतिया घाट व मेढा घाट। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी, दरवाजों के बुर्ज, दीवारों की पेंटिंग अद्भुत हैं। रंगमहल, शीश महल, पंचमहल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मान सिंह की कचहरी आज भी मौजूद है। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले के बारे में कहा जाता है कि कभी इस किले की दीवारों से खून टपकता था। फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने लगभग 200 साल पहले रोहतास की यात्रा की थी, तब उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है, वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं। वे तो ये भी कहते हैं कि बहुत पहले रात में इस किले से आवाज़ भी आती थी। लोगों का मानना है कि वो संभवतः राजा रोहतास के आत्मा की आवाज़ थी। इस आवाज़ को सुनकर हर कोई डर जाता था। किले से आने वाली आवाज़ और दीवारों से खून टपकने की जो बात है, वो अंधविश्वास है या सच, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।